नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के निरसा में पुलिस ने दबंगों को खदेड़ा। गैरकुंड मामला मुगमा प्रभात स्टेडियम के समीप बंद पड़ी एसीएल खदान की जमीन पर देखने को मिला। उक्त जमीन पर भूमाफियाओं की पैनी नजर है। अवैध कब्जे को लेकर छाई से उक्त जमीन की भराई कराई जा रही है, जिससे स्थानीय लोगों में आक्रोश है। मामले को लेकर शनिवार को 50 से अधिक संख्या में ग्रामीण भराई स्थल पर पहुंचे और जमीन भराई का कार्य रोक दिया। स्थानीय निवासी कमलेश सिंह, राजकुमार पांडे आदि ने कहा कि छाई उड़कर कॉलोनी सहित आसपास के गांव में जा रही है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वहीं खदान में वन विभाग द्वारा लगाए गए वृक्ष को भी भारी नुकसान हो रहा है। क्षेत्र के कुछ दबंग लोगों द्वारा ऐसा किया जा रहा है, उनकी मंशा जमीन की प्लॉटिंग कर बेचने की है, लेकिन उनकी मंशा कामयाब नहीं होने देंगी। इसकी शिकायत तहसील मऊआ प्रबंधन एवं वन विभाग से की जाएगी। जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी किया जाएगा। ग्रामीणों के द्वारा सूचना मिलने पर शनिवार को गल्फरबाड़ी ओपी प्रभारी संजय उरांव एवं एएसआई संजय प्रजापति मौके पर पहुंच छाई भरने आए सभी लोगों को खदेड़ा। मुगमा संवाददाता पप्पू केवट की रिपोर्ट। जंगल में एमपीएल अपना डस्ट गिरा रहा था, जिसका रूल नहीं है। हम इसको प्रोटेस्ट करना है कि हम माल नहीं गिरा जाए। नहीं, जैसे मिल रहा है कि काली माटी का कुछ लड़का लोग है जो यहाँ गिरा करके घर बनाना चाह रहा है, ये क्या? ऐसा कोई नहीं है, काली लड़का लोग से बात हो, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। उन लोगों को रोका, हम लोग रोके हैं। जैसे रोकना चाहिए, जंगल जैसा वैसे रहेगा। हाँ, तो पर्यावरण को मिटा के यहाँ धूस भरा जा रहा है, जिससे हमारा कॉलोनी, ग्राम, अगल बगल के तमाम बस्ती इससे प्रभावित होगा। एक दिन के धूप में इतना डस्ट उड़ रहा है, ये तो मौसम है, इतना 15 दिन से पानी पड़ रहा है, जिसके चलते ये भर भी लिए। नहीं तो यहाँ का क्या जनता का हाल होता, पांच बस्ती का क्या हाल होता, इसका कोई ठिकाना नहीं रहता। आई वन को उजाड़ के ही डस्ट को डालना कौन पर्याप्त जगह है? स्पॉट पर कभी आ नहीं रहे हैं, ऊपर ऊपर समझौता कर ले रहे हैं। आम जनता रोज आके चिल्ला रहा है, जंगल भी 5 दिन से इस बात को हम लोग रोका जा रहा है। आप लोग क्या करने जा रहे हैं? हम लोग इसको रोकेंगे, आंदोलन करेंगे इसके लिए।